दीनी और बिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर नहायत करम और एहसान है कि आज हम रमजान मुबारक के तकरीबन 8 रोजे पूरा करने को हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदे के ऊपर कितना मेहरबान है कि हदीस पाक का कराता है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सर्कस सियासी जकड़ दिए जाते हैं और एक फरिश्ता निदा लगाता है ऐ खैर के मुतलासिम आगे बढ़े और ये शर व फसाद फैलाने वालों को जाओ, यहाँ तक कि रमजान खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये बाबरकत महीना जो हमारे ऊपर साया फलन है, इस बाबरकत महीने से हमें और आपको फायदा उठाना चाहिए। इसके किसी भी उमूर को हमें जाया नहीं करना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। हदीस पाक के अंदर आता है मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان یدخلنی الجنت و عبادتی من النار، یا رسول اللہ ہمیں ایسے عمل کے بارے میں آگاہ کیجیے جو مجھے جنت میں جانے کا سبب بنے اور جنت سے دور کر دے، جو ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنے اور جہنم سے دور کر دے۔ हर मुसलमान चाहता है जन्नत में जाना और जहन्नम से हर आदमी दूरी चाहता है, इंसान का मकसद यही होता है। रसूल पाक ने फरमाया तुमने बहुत बड़ी चीज का सवाल किया है लेकिन लयसीरुन मन सबुल्लाह, उस आदमी के लिए आसानी हो जाती है जिसके लिए अल्लाह सुभान व तआला आसान करता है। रसूल पाक ने फरमाया ताबुदुल्लाह ला तुशरिक बिही शैअ, अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करो, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और यही चीजें हमेशा दावत रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे मुसलमानों के लिए, आम लोगों के लिए, कि लोगों शिर्क ना करो। शिर्क अल्लाह सुभान व तआला की सबसे बड़ी गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी से फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना करो, व तुकीमुस सलात और नमाज कायम करो, व तुती ज़कात और ज़कात की अदायगी करो, व तसूमु रमज़ान और रमज़ान के रोजे रखो, व तहज्जुल बैत और अल्लाह के घर का हज करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे अला अदुल्लुकुम अबवाबुल खैर, क्या तुम्हें मैं खैर का दरवाजा ना बताऊं? दोस्तों, हमारी तरफ जो चला हमारी बातों को सुने, क्या मैं तुम्हें खैर का दरवाजा ना बताऊं? साहब ने कहा बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबवाबुल खैर अस्सौमु जन्नतुन, रोजा मुसलमान के लिए ढाल है। इंसान दिन भर थका हारा रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मशफ़त करने के लिए, अपना खाना पीना सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए रखता है, छोड़ करके रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जन्नतुन, सौम ढाल है, वस्सदकतु खतियतुन वस्सदकतु तदफिउल खतिया कमा यदफिउल मरअ, और सदका इंसान के गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कि पानी आग मिटा देता है। वो सलात रजुल फी जौफी जौफिल लैल, और रात की नमाज जब बंदा रात में तन्हाई में खड़ा होता है तो उसकी रात की नमाज अल्लाह सुभान व तआला के यहाँ बहुत महबूब है। फिर आके रसूल पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आयतों की तलावत किया, सूरह सजदा की,
उनकी पीठ उनके कमर उनके बिस्तरों से अलग रहता है। खौफ और तमा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और जन्नत की लालच। वमिम्मा रज़क़नाहुम मिन फ़ुतून और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें दिया है उसे खर्च कर। ये कौन लोग होते हैं? ये कौन लोग होते हैं जो रात की तन्हाई में उठ करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा चाहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फला तअलमु नफ्सुन मा खफिया लहुम मिन क़ुर्रति अय्युन, किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसकी ज़ियारत के लिए जन्नत के अंदर क्या कुछ तैयार करके रखा है, उसकी आंखों में ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा है। जज़ा बिमा कानू यअमलून, जो कुछ उसको बदला मिल रहा है। फिर आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदा अला अदुल्लुकुम रासुल अम्र व अमूदिही व ज़िरवतु सलातिह। सहाबी कहते हैं बला या रसूल अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रासुल अम्र अल इस्लाम, इस्लाम का सिरा मामले का सिरा इस्लाम है। यानी दुनिया के अंदर जितने सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं सारे मज़ाहिब के अंदर अगर काबिल हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इस्लाम है और मुसलमान ही कामयाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया रासुल अम्र अल इस्लाम, इस्लाम ही कामयाबी की जड़ है, मामले का सिरा इस्लाम है। वअमूदुहु अस्सलाह और उसकी बुनियाद क्या है, उसका खंभा क्या है, नमाज है। नमाज मुसलमानों के लिए सबसे अहम रुकन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जान बूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया उसने कफर किया। दोस्तों ये रमजान का महीना है जिस महीने के अंदर हमें और आपको हमारा रुझान लपकता है दीन की तरफ, दीन की तरफ लपकते हैं आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए इस महीने को गनीमत जानते हुए ऐसी अपनी इस्लाह करें और अपने भाइयों की ऐसी इस्लाह करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे आने वाले दिनों में हमें उस पर चलना आसान करे। आगे फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ीरत जिहाद और जिहाद ये मामले की चोटी है। जिहाद वजीर वक्त सलाम में ये कुहान की छोटी, इंसान जो भी अमल करता है उसको ऊपर पहुंचाने का सबक है। आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सारे मामलात में तुमको एक अहम चीज में ना बतला दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ बिन जबल कहते हैं बला या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और फरमाया उफ़ अलैका हाज़ा, अपनी जबान को पकड़ के फरमाते हैं इसको अपने ऊपर रोके रखो। सहाबी सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह इन्ना इन्ना लमाख़ज़ून मिन बिमा नतकल्लमु बिही, क्या हम अपनी बातों की वजह से भी पकड़े जाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकिलत का उम्मुक या मुआज़, ए मुआज़ तुम्हारी बातों को गुम कर दे, लोग अपनी जबानों की वजह से अपनी बातों की वजह से जहन्नम के अंदर घसीट करके डाले जाएंगे। दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी भूखा हो, रोजे से हो, सौम से हो, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जबान की हिफाजत करे। एक हदीस के अंदर आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यदा कौल ज़ुर, किसने झूठ नहीं छोड़ा, फालतू लबियात को नहीं छोड़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ऐसे शख्स के लिए कोई हाजत नहीं है कि वो अपना खाना अपना पीना छोड़ दे, जबकि मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दीन का पाबंद हो, रसूल के फरामीन का पाबंद हो। रसूल पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय वो लोगो जो अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाने वाले हो
अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को जाया ना करो। अब आया ये कि मुसलमान के अमाल कैसे जाया होंगे, अगर इंसान अल्लाह की इबादत करते हुए अगर उसके साथ में किसी को शरीक ठहराता है तो उसके अमाल जाया होंगे, उसके जाया अमाल बर्बाद होंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिहि व यग़फिरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी गुनाह को सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, अल्लाह की शर्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला शर्त को कभी नहीं माफ करता। इसलिए दोस्तों हमें और आपको चाहिए शर्त से बचें और अपने अमाल की इस्लाह करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने रब की माफ़त को पहचाने, अपने नबी की माफ़त को पहचाने। क्योंकि हमारे कामयाबी और हमारे कामरानी का मेन सबब क्या है, अल्लाह उसके रसूल का सच्चा। जब हम अल्लाह उसके रसूल के मार्ग को जानेंगे और पहचानेंगे तो दीन पर चलना हमारे लिए आसान होगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे तो सारी बातों को हमारे लिए छोड़ना आसान होगा। अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे के ताल्लुक से कि लोगों ये जान लो कि रमजान मुबारक का महीना ऐसा महीना है, इस महीने के किसी एक रोजे को अगर किसी ने जान बूझ करके छोड़ दिया बगैर किसी रुख्सत के, जो रुख्सत अल्लाह उसके रसूल ने नहीं दिया, अल्लाह उसके रसूल ने उसको ये रुख्सत अगर नहीं दिया है उसने रोजा कज़ा कर दिया, तो अगर अपनी सारी उम्र भी रोजा रखेगा तो इसकी कज़ा नहीं कर सकता, यानी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। रमजान का रोजा ऐसा रोजा है जो बंदों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फर्ज किया है और बंदों के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो इस रमजान के रोजे का एहतमाम करें, और रमजान के रोजे के रखने वालों के लिए अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत के अंदर आठ दरवाजे हैं, उन आठ दरवाजों में से एक ऐसा दरवाजा है जिसका नाम है रियान, बाब रियान, ला यदखुलुहु इल्ला सायम, उन दरवाजों से कोई और नहीं दाखिल होगा इल्ला के रोजे का। तो लोगों अपने सौम की हिफाजत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बस तलब करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम, अल्लाह से बस तलब करो, इन्नहु काना गफ्फारा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शने वाला है अपने बंदों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि आदम की सारी औलाद खताकार है, सारे लोग गुनाहगार हैं, वो अना यगफिरु ज़ुनूब जमीअ, और मैं लोगों के गुनाहों को बख्शने वाला हूं। फस्तग़फिरूनी, लोगों मुझसे बख्शिश तलब करो, मुझसे बख्शिश तलब करो, यगफिर लकुम, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एक हदीस पाक के अंदर आता है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रावी हदीस है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने एक रोजा रखा, एक रोजा रखा, उसके लिए खास नहीं है, हदीस आम है, एक रोजा रखा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके चेहरे से जहन्नम को 70 साल की मसाफत की दूरी को दूर कर देते हैं, बाइक कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम इस रमजान को गनीमत जानते हुए हमें इस रमजान के अंदर अच्छे अमल करने की कोशिश करना चाहिए और अपनी इस्लाह करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान का रोजा रखा और जिसने रमजान के अंदर में रात को क़याम किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसने उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और यह रमजान मुबारक का महीना ऐसा महीना है, इस महीने के अंदर इसमें इंसानों के अमल बढ़ा दिए जाते हैं, आठ दिनों के अंदर अगर इंसान जो सवाब नवाफिल का सवाब मिलता है इस महीने के अंदर उसके नवाफिल को फराइज के मुताबिक सवाब मिलना शुरू करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करता है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने अमल की हिफाजत करें और जब हम दस्तरखान पे बैठे तो उस वक्त हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दस्तरखान पे बैठा होता है इफ्तार के लिए, उस वक्त जब जो भी दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा से करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, उसकी दुआ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ाया और बर्बाद नहीं करता। इसलिए हमें और आपको बचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस वक्त को इस मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह से दुआ करना चाहिए और अपने ज़ात के साथ अहद करना चाहिए, इलाहुल आलमीन हमने जो पिछले अयाम में गुनाह किए हैं इलाहुल आलमीन तुझसे माफ़ फरमाना और आगे
हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता करना, क्योंकि ये रमजान के महीना जो हमें अल्लाह सुभान व तआला ने अता किया है, दोस्तों हम देखेंगे पिछले अय्याम में, पिछले रमजान में हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग रहे होंगे जो आज हमारे माँ बहन नहीं है, आज हमारे माँ बहन जिंदा नहीं है, क्या पता आने वाला रमजान हमें मिले ना मिले। इसलिए हमें इस मौके को वहीं पर जान करके अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करना चाहिए, अल्लाह सुभान व तआला से इस्तिगफार करना चाहिए, और इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमल करने की कोशिश करना चाहिए। जब हम दस्तरखान पे बैठे तो इस बात का ख्याल रखें कि जो दस्तरखान पे हम बैठे हुए हैं आम मुसलमानों के साथ हैं, हम किसे जानते नहीं हैं और किसी को नहीं जानते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखें और जो कुछ भी खाएं और पिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलु वशरबू बियमिनी, अपने दाहिने हाथ से खाओ और पियो, और अपने भाई का ख्याल कभी भी किसी के आगे से उठा करके ना खाएं, जो खाना अपने से ज्यादा करीब हो उसको खाएं, और छीना झपटी ना करें, और खाने से पहले इफ्तार से पहले बिस्मिल्लाह करके इफ्तार करें। ये भी तरीका है दोस्तों, सही है, बिस्मिल्लाह करके इफ्तार करें और इफ्तार के बाद दुआ पढ़ें ज़हबत ज़मा और तल्लत लोरूब और सब अल्लाह ने इंशाअल्लाह प्यास कुछ के प्यास कुछ के रगन कब होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब पक्का होगा। दोस्तों ये वक्त जो अल्लाह ने हमें दिया है इसको गनीमत जानते हुए हम इसके अंदर अपने भाइयों का खास ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने भाइयों का भी ख्याल रखें। जिस भाई को हम जानते हैं या जिसे नहीं जानते हैं उसको सलाम करें, उसको मस्जिदों तक लाने की कोशिश करें, और अगर हमारा कोई भाई हमारे जरिया से नेक रास्ते पे चल पा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स किसी को भलाई की तरफ रहनुमाई करता है और वो भलाई की तरफ चल पड़ता है तो उसके भलाई पे चलने वाले के सवाब के बराबर भलाई की रहनुमाई करने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलेगा और उसके सवाब से उसके अंदर कोई कमी नहीं की जाएगी। हाँ अगर किसी ने बुराई की तरफ रहनुमाई किया और उसका वो भाई बुराई पे चल पड़ा तो उसको उतना ही गुनाह मिलेगा जितना बुराई करने वाले को गुनाह मिलेगा, और बुराई करने वाले के गुनाह से उसके सब गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों हमें अपने भाइयों को बुराइयों की तरह चलने से रोकना चाहिए, बुराइयों भलाई की तरफ रहनुमाई करना चाहिए, और हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने रब से हम अपने लौ को लगाएं और अपने रब से अपनी हालत और मुराद को तलब करें, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला ये महीना जो हमें अता किया रमजान का महीना, इस महीने के अंदर अच्छे आमाल करने की कोशिश करें और हर बुरे अमल से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बुराई हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, और ये रमजान का महीना ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिगफार। हदीस पाक के अंदर आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, ये पहली खुशी कब है जब बंदा रोजा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। एक और हदीस के अंदर आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शिफात करने वाले ऐसे हैं जो अपने रब से उस बंदे की शिफात करेंगे, पहला शिफा साबे कुरान, दूसरा क़यामुल लैल। कुरान कहेगा ऐ रब्बी ये बंदा मैं तेरी खातिर रात को क़याम करता था और मैं इसको तेरी रजा के खातिर रोके रखता था, लिहाजा तू मेरी शिफात को कबूल फरमा। उधर रोजा कहेगा ऐ इलाही आलमीन तेरी रजा के खातिर ये बंदा दिन भर भूखा प्यासा रहता था, लिहाजा तू इस बंदे की लिहाजा तू मेरी शिफात को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की शिफात को कबूल फरमाया, उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों हमें अपने रोजे का एहतमाम करना चाहिए, आकर अहद करना चाहिए इलाही आलमीन हमें हमारी इसलाह फरमा और हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, और आगे जो पिछले अय्याम में हमसे गुनाह हुए हैं तो हमारे उन गुनाहों को बख्श दे, आगे हमें हमारे आमाल की इसलाह करने के लिए हमें तौफीक अता फरमा, और जो कुछ भी हमसे गुनाह हुए हैं हमें तो माफ़ फरमा। इलाही आलमीन हमें सिराते मुस्तकीम पर